कुज्जू कोयलांचल में कोयले के अवैध कारोबार तथा कोयला तस्करों द्वारा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर सीसीएल के बंद पड़े खदानों से मजदूरों द्वारा अवैध कोयला निकासी की सूचना लगातार मिलने तथा बीते दिनों कुज्जू कोलवरी स्थित सीसीएल के बंद पड़े भूमिगत खदानों में एक मजदूर के अवैध खनन के दौरान जहरीली गैस के कारण दम घुटने से मौत होने की सूचना के पश्चात जिला खनन पदाधिकारी नितेश कुमार गुप्ता, सीसीएल सुरक्षा विभाग के पदाधिकारियों सहित कुज्जू पुलिस के द्वारा मंगलवार को क्षेत्र का मुआयना किया गया, जिसके बाद आज बुधवार दोपहर सीसीएल सुरक्षा विभाग ने कुज्जू पुलिस की मौजूदगी में ओपी क्षेत्र के लकड़ी गेट के पास दो अवैध मुहाने तथा 9 नंबर धौड़ा के सामने दो अवैध मुहाने पर डोजरिंग कर बंद कर दिया, जिससे क्षेत्र के कोयले के अवैध धंधेबाजों में हड़कंप का माहौल है। वहीं कुज्जू कोलियरी स्थित सीसीएल के बंद पड़े इनक्लाइव, जहां बीते 4 दिनों पूर्व एक मजदूर छोटेलाल करमाली की मौत हो गई थी, उक्त भूमिगत अवैध मुहाने को बंद करने की प्रक्रिया को सीसीएल के सुरक्षा पदाधिकारियों ने उच्च अधिकारियों की जांच होने की बात कहकर तत्काल टाल दिया गया है। डोजरिंग अभियान में कुज्जू कोलियरी सुरक्षा पदाधिकारी जानकी भुइयां, हवलदार खोखुन रविदास, ओवरमैन निशांत सिंह, सिक्योरिटी इंचार्ज मुकेश कुमार, हेमंत सिंह, ओपी प्रभारी धनंजय प्रसाद सहित सुरक्षा बल के जवान मौजूद थे। रामगढ़ डेस्क की रिपोर्ट।